इस अवसर पर मौजूद हमारे अपने कुसुमारिया जी आपका भी अभिनंदन, बाबा उमा दीदी आपका अभिनंदन, जिला पंचायत अध्यक्ष जी आपका अभिनंदन, प्रद्युम्न सिंह जी आपका भी अभिनंदन, और बगल में कौन है, दशरथ सिंह जी दस्सु भैया आपका भी अभिनंदन है। पूरे मंच का एक बार जोरदार ताली बजाकर बहनों सहित आप सबको प्रणाम करता हूं। आज के इस आनंद के लिए ऐसा लगता है कि देवता भी इंद्रा स्वर्ग से हम सबके लिए आनंद के लिए स्वागत के लिए वर्षा के माध्यम से अभिनंदन कर रहे हैं, भगवान का भी आशीर्वाद हमको मिल रहा है। मुझे बताया गया कि बहुत दिन से बारिश नहीं हुई थी। अरे बारिश होती कैसे, बहनाओं को बुलाओ तो बारिश ही बारिश होगी, ये आनंद की वर्षा होगी। इस आनंद के लिए तो देवता भी तरसते कि सावन का महीना कब आ जाए, और बहनों के उस प्यार के लिए क्या हमारे लिए मानवीय सभ्यता में खास करके भारतीय संस्कृति के इतिहास में त्योहारों की रचना जो ऋषि मुनियों के समय से हुई है, हमारी भारतीय संस्कृति की ध्वजा को लेके चलने का, सारे त्योहार अपना अपना महत्व रखते हुए आनंद में डुबाते और जीवन जीने के लिए और इच्छा शक्ति को प्रबल करते हैं, ये परमात्मा की कृपा है। हमारे लिए तो क्या रचना बनी है त्योहारों की, होली आएगी तो सारे मन की कलुषताएं सबकी दूरियां मिट करके रंगों में रंग सब मिल करके आनंद में डुबा देते, वो होली का आनंद हम सबके लिए फागुन का महीना लेकर के आता है। दिवाली की बात करो तो क्या कहना, भगवान राम ने रावण को जरूर मार करके लंका पे विजय प्राप्त की है, लेकिन गरीब से गरीब आदमी के घर में सुख आनंद का दीपक जले, उसके जीवन में मंगल ही मंगल हो, इसलिए दिवाली का पर्व और ये होली और दिवाली दो त्योहारों के बीच दोनों बार हमारी फसलों की अपनी आवक के माध्यम से अपनी जीवन की दशा बदलती है। और त्योहारों की श्रृंखला तो ऐसी है कि 12 महीना और 13 त्योहार, उसका आनंद ही अलग है। और त्योहार में त्योहार सबसे बड़ा त्योहार रक्षाबंधन का पावन पर्व का त्योहार, इस त्योहार के आगे सारे हमारे त्योहार फीके पड़ते हैं। रक्षाबंधन बहनों से भाई की रक्षा का संकल्प, दो धागे जरूर बांधती है बहने, लेकिन ये दो परिवार के बीच पुल का काम करता, सेतु का काम करता है। बहनों का अपने भाई के प्रति माँ बाप के बाद सबसे ज्यादा प्यार लुटाने वाला कोई शख्स घर में है, तो ये सभी बहने में आपको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आपका आशीर्वाद लेना चाहता हूं। पूरे साल इंतजार करती बहने उमंग से उत्साह से, जैसे ही सावन आ जाए तो ऐसा लगता है कि चहकने लगती है, परिवार वाले ससुराल वाले भी समझ जाते हैं कि अब इनका अपना परिवार से मायका में जाने का समय आया है, और धीरे धीरे करके रक्षाबंधन की तरफ बढ़ते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करो जोरदार ताली बजा करके, यशस्वी प्रधानमंत्री का, जिनके नेतृत्व में पूरी दुनिया भारत की मूल आत्मा गरीब से गरीब आदमी के जीवन में भी सुख आनंद वैभव की वर्षा, जो उनका हक है वो उनका हक उन तक पहुंचे। हम बात अगर करेंगे तो कई लोगों को कष्ट भी होगा, लेकिन इस बात में मुझे कोई संदेह नहीं कि वो समय भी याद है जब कांग्रेस के बड़े एक नेता हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम 1 रुपया भेजते और 15 पैसे पहुंचते हैं, ये हम नहीं कह रहे, उनके नेता ने कहा था, लेकिन बाद में बीच में कहा जाते वो प्रधानमंत्री को मालूम नहीं। और एक हमारे प्रधानमंत्री है जो डंके की चोट कहते हैं, 1 रुपया अगर किसान सम्मान निधि का पहुंचना चाहिए या 1 रुपया भी लाडली बहना का उनके खाते में पहुंचना चाहिए तो आप बताओ पहुंचता कि नहीं पहुंचता, आप बताइए, आप में से कोई व्यक्ति बता दे। जोरदार ताली बजा करके ये अपने इस व्यवस्था का सम्मान करें। पैसे का महत्व नहीं है, पैसा तो भगवान की दया आएगा जाएगा,
लेकिन बहनों के खाते में जो पैसा आता है, बहनों के हाथ में जो पैसा आएगा, माफ करना पुरुष भी बैठे हैं यहाँ पे मेरे बहुत सारे भाइयों, लेकिन हमको पैसे की कदर कम है। सच्चे अर्थों में एक रुपया सवा रुपया में कोई चलाती है तो हमारी बहनें ही चलाती है, वो उनका जीवन इस बात के लिए जाना जाता है, उनका रोम रोम अपनी पूरे परिवार के लिए जाता है। अपना दिन का दिन नहीं देखेगी, रात को रात नहीं देखेगी, क्या बच्चों में प्यार लुटाती है, क्या भाई के प्रति प्यार बरसाती है, तमाम कष्ट तमाम परेशानी सहन करके, सहनशीलता की पराकाष्ठा को महसूस करते हुए भी अपनी आंखों में आंसू के बजाय खुशी का आनंद की वर्षा करते हुए खाना भी खिलाएगी तो पूरे परिवार को खिलाने के बाद मिले तो ठीक, नहीं मिले तो पानी पी के आनंद महसूस कर ले। ये जो अंदर का भाव बहनों का अपनी माताओं का है, इसके कारण से अपने देश को सदैव मातृ संस्था के नाम से जाना जाता है। दुनिया में 200 से ज्यादा देश है, हर देश को अपने आप में पिता की संज्ञा दी गई है, लेकिन 200 से ज्यादा देश में एकमात्र देश है भारत जो माता संस्था से जुड़ता है। इसलिए हम बोलते हैं भारत माता की, क्योंकि माँ का जो आनंद महसूस करते हैं ये केवल हमारी संस्कृति महसूस कर सकती है, इसमें और कोई रोल किसी का नहीं है। इसलिए न केवल अपनी देश के लिए बल्कि नवग्रह में भी पृथ्वी को भी माता कह करके पुकारा गया है। हमारे अपने देवताओं के साथ में भी सीताराम राधे कृष्ण, पहले माँ का नाम फिर भगवान का नाम, ये हमारी संस्कृति है। इसका त्योहार मनाने का आनंद भी इसीलिए है, और ये महीना तो और आनंद में डुबाएगा। रक्षाबंधन 19 तारीख को आएगा भले ही, लेकिन जब एक बहन हो दो बहन हो तो राखी बंधवाने के लिए रक्षाबंधन का इंतजार कर दो। जब हमारी 1,39,00,000 बहने हो तो पूरा सावन का आनंद लेना चाहिए कि नहीं लेना ना चाहिए, पूरे महीने आनंद मनना चाहिए। इसीलिए सावन के महीने में हमने तय किया कि 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक हर दिन दिवाली की तरह हर दिन रक्षाबंधन मनेगा। आप आनंद के साथ अपने भाइयों को राखी बांधे, जोरदार ताली बजाए अपने इस अभियान के लिए भी। कोई इस रक्षाबंधन पूर्णिमा आएगी आने दो 19 तारीख के दिन, लेकिन अपने सांसद विधायक मंत्री पार्षद पंच सरपंच प्रमुख अलग अलग प्रकार के जनप्रतिनिधि, अरे हम तो अपने भाषण में भी किसी अच्छे वक्ता से अगर भाषण सुनेंगे तो हमारे यहाँ तो स्वामी विवेकानंद ने इसी एक वाक्य को बोल करके भारतीय संस्कृति का तब भी परचम लहराया था, जब उनने कहा था केवल दुनिया ने पहली बार हमारी संस्कृति से परिचय पाया था, जिनने भाषण में लेडीज एंड जेंटलमैन नहीं बोला, उनने कहा भाइयों और बहनों, ये जो शब्द है इसके बोलते ही हमारे संबंधों की पराकाष्ठा होती है। इसलिए हमारी सरकार ने बनने के बाद तय किया कि हमारे सारे त्योहार, क्या मकर संक्रांति, अब मकर संक्रांति जो बहनें जितना महत्व समझती है उतने तो भाई भी नहीं समझते, भाई तो कभी पतंग उड़ाएंगे या गिल्ली डंडे खेल लेंगे, लेकिन बहनें सुहाग का सामान बांट करके जो जैसी जिसकी क्षमता होगी वैसे वो कुछ न कुछ सामान देती है, और वो केवल सामान नहीं देती है, वो एहसास कराती है इस जन्म में मनुष्य जन्म मिला है तो तिल तिल करके सूर्य देवताओं का प्रकाश बढ़ेगा, मकर संक्रांति में दिन का उजाला बढ़ता जाएगा तो अपने जीवन से सबके जीवन में प्रकाश फैलता जाए, दुख का अंधेरा कम होता जाए, आपस में संबंधों के बलबूते पर हर की गृहस्थी अच्छी बसती जाए। इसलिए मकर संक्रांति का आनंद मनाते हैं हम, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, गुड़ी पड़वा हमने धूमधाम से मनाई, नए साल की शुरुआत। अरे गुड़ी पड़वा हमारी जो आनंद देती वो 1 जनवरी में कैसे हो सकता है? 1 जनवरी है अंग्रेजों के शासन की शुरुआत है, वो अंग्रेजी कैलेंडर का साल है, लेकिन सच्चे अर्थों में नया साल हमारा गुड़ी पड़वा से प्रारंभ होता है, जब सम्राट विक्रमादित्य ने
अपने विक्रम संवत की शुरुआत की थी, दुनिया के अंदर आज भी आश्चर्य है। हमारे यहाँ किसी के पैदा होने से या किसी के शरीर छोड़ने से साल तय नहीं होता है। हमारे यहाँ पराक्रम, पुरुषार्थ और जीवन के जीने की अपनी ललक के कारण से साल जाना जाता है, और विक्रम संवत उसका पहचान है। आगे बढ़े गुरु पूर्णिमा। अरे गुरु पूर्णिमा का पावन अवसर, गुरु तो कहते ही हमको ध्यान में आता है कि गुरु के अगर दो टुकड़े करें, आगे का शब्द संधि विच्छेद करके समझें कि गु से मतलब अंधेरा और रू से मतलब प्रकाश, तो अंधेरे से प्रकाश, प्रकाश को फैलाने के लिए जीवन में गुरु आते हैं, और इसलिए गुरु पूर्णिमा का उत्सव मनता है अपनी संस्कृति के माध्यम से। गुरु के बिना जीवन में सब कुछ अधेरा है। पहले गुरु माता, दूसरे गुरु पिता, तीसरे गुरु स्कूल कॉलेज में हमको पाठ्यक्रम पढ़ाने वाले, चौथे गुरु हमको अपने जीवन में, इस जीवन के अलावा भी संसार है, मोक्ष के मार्ग पे ले जाने वाले, ये हमारी परंपरा है। और ऐसे में अब जब रक्षाबंधन का आनंद आ रहा है तो उसकी तो बात ही अलग है। कोई समझ कैसे सकेगा जब तक इस प्रेम में डूबे नहीं। तो मैं आज बरसते पानी में भी, हमारे हेलीकॉप्टर उड़ाने वाले ने कहा था कि साहब जरा रिस्क है, हमने कहा तुम्हारे भाव में रिस्क हो सकती है, बहनों का प्यार है या कुछ नहीं होगा, जरूर उड़ाओ, जरूर चलेंगे सबके बीच में। आपसे मिलकर रक्षाबंधन का त्योहार मनाने का जो मौका मिला है, आज आपके बीच में भले ही 3 तारीख है, लेकिन यह हमारा अभियान 10 तारीख तक चलेगा। 10 तारीख के दिन 25,000 जगह एक साथ कार्यक्रम बनेंगे, सभी पंचायत, सभी वार्ड, सभी विधानसभा, सब दूर, और एक सिंगल क्लिक के माध्यम से 1,250 तो हमको जो मिलेंगे मिलेंगे, उसके बाद 250 रुपए और 10 तारीख को आपके खाते में आएंगे सारी बहनाओं के साथ एक साथ। आपकी जानकारी के लिए 10 तारीख के दिन आने वाले पैसे से 19 तारीख के दिन रक्षाबंधन है। आप अपनी राखी खरीदना, मिठाई लेना, जो मर्जी आए, बच्चों के कपड़े लेना, लेकिन वो सारे कपड़े और सब लेकर के 19 तारीख को जाओ, आप अपने सगे भाई को या अपने परिवार को राखी बांधने जाओगी और कंकु तिलक लगाओगी, उसको तिलक लगाओगे तो समझ लो मुझे तिलक लग गया, ये आशीर्वाद मुझे मिल जाएगा, ये भावना में जो मालूम है। केवल हमारे सबके बीच में ये भाव बना रहना चाहिए, इस भाव के लिए हमारे सारे त्योहार मनाने का ये उत्सव है। हमारी पार्टी इसीलिए के लिए जानी जाती है, हमको अपने इस अंदर के संस्कार को जिंदा रखना है, इस संस्कृति को जिंदा रखना है। इसीलिए इकबाल ने कहा है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, ये कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, ये इसी में छिपी हुई है कि कदम कदम पर हमारे त्योहार हमको परस्पर प्रेम, स्नेह, बंधुत्व, इसको बढ़ाने में लगे रहते हैं। आज के इस अवसर पर दमोह जब आ रहा हूं और बहनों से राखी बंधवाऊंगा, आपका आशीर्वाद लूंगा, तो यहाँ के विधायक जी ने कुछ मांग रखी, सांसद जी ने कुछ मांग रखी, इसको तो मानना ही पड़ेगा। आप चिंता मत करो, आज 4 करोड़ से ज्यादा के पुल की तो सौगात दे रहा हूं यहीं से लोकार्पण करते हुए, तेंदुखेड़ा और जबेरा के बीच का, और उसके बाद नगर परिषद जबेरा को बनाने की घोषणा की जाती है। हमारे अपने इस जबेरा के अंदर आपके भी अधिकार बढ़ेंगे, नगर परिषद बनेगी, चुनाव आएंगे, बहनों के लिए जोरदार ताली बजा, 50% बहनों को पार्षद का मौका मिलेगा, और बहुत जल्दी आने वाले सभी चुनाव जोरदार अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री जी का करिए, जिन्होंने लोकसभा में कानून बनाया कि आने वाले समय में 33% हमारी बहनें सांसद और विधायक भी बनाई जाएगी, ये हमारी पार्टी की लाइन। 70 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, उनने निर्णय नहीं किया, लेकिन यह हमारी सरकार और यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए एक बार फिर अभिनंदन करो जोरदार तरीके से, जिन्होंने डंके की चोट ये फैसला किया है। ऐसे एक नहीं, कई सारी बात की जा सकती है। हमारे यहाँ लखन भाई बैठे हैं,
अभी तो ये गौ संवर्धन बोर्ड के माध्यम से भी बहुत सारी सौगात माननीय प्रहलाद जी भाई साहब भी थे। अरे गौ माता में 33 करोड़ देवी देवता का वास होता है, हमारी गौ माताएं और गोधन के माध्यम से घर के अंदर आमदनी बढ़ाने के लिए, आप बताओ किन किन के घर में गाय भैंस दूध पालने का व्यवसाय करते हैं, हाथ खड़े करो केवल अपने स्थान पर, जो जिनके घर में गोधन है आप चिंता मत करना हाथ नीचे कर लो। अभी तक तो गेहूं पे बोनस देते थे, धान पे बोनस देते थे, आने वाले समय में भी गाय और भैंस के दूध खरीदने पे भी बोनस सरकार द्वारा दिया जाएगा। अरे गाय और भैंस हमारे यहां तो दूध दही की नदियां बहती थी, देश को इस नाते से जाना जाता था, काल के प्रवाह में ये ध्यान भटका है। किसान की आमदनी फसल से तो होना ही चाहिए, लेकिन फसल तो आती है सीजन पे, लेकिन रोज आमदनी तो दूध से आती, तो दूध से उसकी आमदनी क्यों नहीं बढ़ना चाहिए। लेकिन और भी चिंता मत करो, यहां युवा साथी भी बैठे हैं, हमारी सरकार ने तय किया है प्रत्येक जिले के अंदर उद्योग धंधों का जाल बिछाया जाएगा, सबको रोजगार दिलाया जाएगा, किसी प्रकार से कोई के जीवन में कष्ट नहीं है। आने वाले समय में अभी मैं खुद अभी बेंगलोर जाने वाला हूं, थोड़े दिन पहले कोयम्बटूर गया था, लेकिन मुझे लगता है कि दमोह में उद्योग धंधे नहीं चाहिए, ताली वाली बजी नहीं तो आनंद नहीं आया। हर संभाग संभाग में रीजनल समिट करते हुए प्रत्येक क्षेत्र में और खासकर उद्योग भी ऐसे लगाएंगे जिसमें हमारी बहनों को रोजगार पहले मिले, बाद में पुरुष, कई कई कारखाने अलग अलग प्रकार के चल रहे हैं जिसमें बड़े पैमाने पे केवल बहनें ही काम करती है। मैं इस बात के लिए लगातार प्रयासरत हूं कि हमारी बहनों के जिंदगी में रोजगार के माध्यम से भी जिंदगी बदलना चाहिए। लेकिन आज तो फिर ज्यादा ना बोलते हुए, सागर के अंदर भी हमारी इंडस्ट्रियल समिट होने वाली है, इस महीने ग्वालियर करेंगे, सितंबर महीने में सागर संभाग में आपके ये सारे के सारे जिलों के लिए, सभी क्षेत्रों में उद्योग लगाने के लिए, फैक्ट्री लगाने के लिए, जितने प्रकार से रोजगार के संसाधन हो सकते हैं आप सबका मौका उसमें दिया जाएगा, और प्रत्येक जिले के अंदर आर्थिक रूप से संपन्न बनाने के लिए लगातार प्रयास जारी रहेंगे। आज के इस पावन अवसर पर, रक्षाबंधन के अवसर पर आज बरसते पानी में जरूर आए, लेकिन केन बेतवा नदी मुझे बताई गई है आप अपनी नदी से। अरे मेरे को तो बोलना दो, जोरदार ताली बजाओ अपने आप के लिए और यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए। आपसे 3 निवेदन करता हूं, ग्रामीण क्षेत्र में भूले भाले लोग जाने अनजाने अपनी जमीन बेच देते हैं और जो बड़े लोग हैं वो जमीन खरीद लेते हैं। मेरा निवेदन है किसान भाइयों से, आप भले ही मकान गिरवे रख देना, गहने बेच देना, लेकिन जमीन मत बेचना। जमीन के माध्यम से परिवार में कई जन्मों की पुण्य की पूंजी इकट्ठी रहती है। वो गया जमाना जब जमीन पे फसल नहीं आती थी। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अपनी प्रत्येक गांव के अंदर सिंचाई की सभी योजना लगाते हुए आपकी फसल की आमदनी डबल से ज्यादा होने वाली है। सभी लोग हाथ जोड़ के निवेदन है, कृपया जमीन मत बेचना। यहाँ केन बेतवा नदी के माध्यम से आपकी अपनी व्याख्या नदी ब्यारवा, नाम तो कुछ भी हो, लेकिन अपनी नदी माता को जोड़ करके पूरा क्षेत्र पानी से लबालब करते हुए सारे क्षेत्र में आनंद की वर्षा होगी। केन बेतवा नदी के अगले चरण का परीक्षण कराते हुए आप बताओ, ये पूरा बुंदेलखंड का इलाका जिसने अंग्रेज, मुगल, सुल्तान, पठान सबको धूल चटाई, कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए, कभी अपनी गर्दन झुकने नहीं दी, ये सूरता वीरता के लिए जाना जाने वाला क्षेत्र केवल परिस्थिति का मारा था। खेती में खेती है लेकिन पानी नहीं है, तो खेती पूरी ताकत से नहीं हो रही।
आप चिंता मत करना यशस्वी, प्रधानमंत्री ने 1,00,000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। जोरदार अभिनंदन करो नरेंद्र मोदी जी का, जिनके माध्यम से 45,000 करोड़ मध्य प्रदेश को मिलेंगे, 45,000 करोड़ उत्तर प्रदेश को मिलेंगे, 5,000 करोड़ हम मिलाएंगे, 5,000 करोड़ यूपी मिलाएगा, और इस पूरे जितने बुंदेलखंड के जिले हैं सबके अंदर पानी ला करके उनकी जिंदगी बदलने का बड़ा अभियान चलेगा। और अभी कोई चुनाव नहीं है, लेकिन जो बात कह रहे हैं वो करके दिखाते हैं। आने वाले 2 महीने के अंदर इसका भूमि पूजन होगा और पूरा क्षेत्र, जैसे मालवा है, पंजाब है, हरियाणा है, उनसे आगे निकल जाएगा। इसलिए मैंने आपसे कहा कि अपनी जमीन बचा के चलना, आने वाला कल हमारा है, उसमें अपनी जिंदगी बदलेगी। मेरी अपनी ओर से आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी बहनों का प्यार मिलता रहे और रक्षाबंधन का आनंद मनता रहे। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपके आत्मीय संबोधन के लिए, और दमोह की लाडली बहना आपके सामने अपना आभार प्रकट करती हैं। प्रियंका ठाकुर को मैं सा सम्मान मंच पर बुलाती हूँ। आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, हम सभी लाडली बहनाओं के लाडले भाई, श्री माननीय श्री डॉक्टर मोहन यादव जी उपस्थित हुए, उनका मैं हृदय से आभार प्रदर्शित करती हूँ। आप अपने व्यस्ततम समय में से समय निकाल कर इतनी भारी बारिश में हम सभी बहनों के बीच में उपस्थित हुए हैं। इसके लिए हम सभी जिले की बहनें आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हैं। आपके द्वारा पहले भी लाडली बहना योजना के द्वारा हम लोगों को 1,250 रुपये की राशि दी जा रही है, पर अभी आपने रक्षाबंधन के बहनों के त्योहार के अवसर पर 250 रुपये की अतिरिक्त राशि इसमें जो केदारनाथ में आपदा के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और आज तीसरे दिन रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन केदार घाटी में मौसम खराब होने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया। बता दें कि सिरसी से हवाई रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था और अभी तक पैदल करीब 300 लोगों का रेस्क्यू किया गया, जबकि हेलीकॉप्टर के जरिए 30 यात्रियों को निकाला गया। बता दें कि अभी भी 2000 से ज्यादा लोगों को निकाला जाना बाकी है। करीब 7000 से ज्यादा लोगों को अब तक निकाला जा चुका है, जो कि केदारनाथ और उसके आगे के पड़ावों में फंसे हुए थे। देखिए, जो लोग यहाँ पर फंसे हैं उन्हें बाहर निकाले जाने की कोशिश की जा रही है। रेस्क्यू टीम मौके पर है। कुछ लोग बुरी तरीके से जख्मी हैं या बहुत ज़्यादा थक गए हैं, उन्हें निकालने की जद्दोजहद कर रही हैं रेस्क्यू टीमें। 300 लोगों को यहाँ से निकाले जाने की कवायद है। ऑपरेशन जिंदगी लगातार जारी है। 300 लोगों का पैदल रेस्क्यू किया गया है और जो घायल हैं उन्हें भी सुरक्षित स्थान या हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश की जा रही है। केदार घाटी में मौसम अचानक से ख़राब हो गया और इस वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन अभी रोक दिया गया है, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। केदारनाथ आपदा से जुड़ी बड़ी खबर है। यहाँ त्रियुगी नारायण में कुछ लोग फंसे हैं और 8 से 10 यात्रियों के फंसे होने की खबर है। त्रियुगी नारायण से 3-4 किलोमीटर ऊपर से ये सभी लोग फंसे हैं। SDRF की रेस्क्यू टीम मौके के लिए रवाना हो गई है और ये कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब रेस्क्यू किया जा रहा है लोगों का। और आप देखेंगे ये त्रियुगी नारायण में लोग जो फंसे हुए थे, तकरीबन 8 से 10 यात्री हैं, अब इन्हें यहाँ से निकाला जा रहा है। केदारनाथ आपदा से जुड़ी ये बड़ी जानकारी है।
जहां पर त्रियुगी नारायण में फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकाले जाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश और बादल फटने से गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग को भारी नुकसान पहुंचा है। जगह जगह श्रद्धालु फंसे हुए हैं, जिन्हें सुरक्षित जगह पहुंचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मुनकटिया से सोनप्रयाग के बीच पहाड़ी मार्ग से आज एसडीआरएफ ने 300 लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया है। उत्तराखंड में तबाही का दौर जारी है। भारी बारिश और बाढ़ के बाद सोनप्रयाग में पहाड़ टूट रहे हैं। एक ऐसी ही तस्वीर वहां से आई है जिसमें पहाड़ टूट रहा है और ऊपर से चट्टानें गिर रही हैं। इससे पहले भी सोनप्रयाग में लैंडस्लाइड हुई थी, जिससे पूरा का पूरा रास्ता टूट गया था और लोग वहीं पर फंस गए थे। अभी भी लोग वहां फंसे हुए हैं और उन्हें वहां से निकालने की कोशिश की जा रही है। तो देखिए, आप ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर लैंडस्लाइड, बादल फटना, भूस्खलन के बाद से हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। पूरी की पूरी सड़क टूट गई है और कड़ी मशक्कत के बाद जो कुछ लोग वहां पर फंसे हुए हैं उन्हें रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पहुंचाए जाने की कवायद रेस्क्यू टीमें कर रही हैं। उत्तराखंड की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहाँ तबाही का दौर जारी है और यहाँ पर सोनप्रयाग में लैंडस्लाइड हुआ और हालात आपकी टीवी स्क्रीन पर। शिमला के रामपुर में आसमान से बरसी आफत के बाद नदियों में उफान है और वो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा ले जा रही है। बड़ी बड़ी इमारतों के साथ साथ गाड़ियां बाढ़ में समाती जा रही हैं। रामपुर में लोग अभी फंसे हुए हैं और उन्हें सुरक्षित निकालने की कोशिश जारी है। इस बीच में रामपुर में एक के बाद एक लैंडस्लाइड हुए। पहाड़ टूटने की वजह से जहां बचाव कार्य प्रभावित हो रहा है तो वहीं कई जगहों पर रास्ते बिल्कुल बंद हो चुके हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे।